नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, पहले नवरात्रे को माता शैलपुत्री, दूसरे नवरात्रे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता और छठे को माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नवरात्रे के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्मशास्त्र इस बात को कहते हैं कि माता का हर रूप अपने आप में अनोखा है, लेकिन माता के हर रूप की पूजा करने के अपने कुछ नियम और विधान है। जो भी भक्त अपने जीवन में इन नियम और विधानों का पालन करता है, उस व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सातवें नवरात्रे को कौन सी माता रानी की पूजा की जाती है और सातवें नवरात्रे को हमें कौन से वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और सातवां नवरात्रा माता कालरात्रि को समर्पित होता है। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि सातवें नवरात्रि को हमें रॉयल ब्लू कलर पहन करके माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता का रंग सांवला है और माता जिस मुद्रा में है वो मुद्रा पूरी तरह से निडर है। इसी कारण से अगर आप लोग सातवें नवरात्रि को रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहन करके माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तब ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप अपने जीवन में निडर बनते हैं, आपके अंदर साहस उत्पन्न होता है।